जब सिर्फ दो कच्चे आलू से इतना टेस्टी चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमें इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दो कच्चे आलू। तो यहाँ पर आलू हमने लिया है आलू ये लाल वाली फ्रेंड्स, आप सफ़ेद वाली या जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, छोटा साइज बड़ा साइज या जितना आपके यहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा आलू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो आलू ही लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली है उसको हमने हटा दिया, छोटी आलू दो हमने ले लिया है और उसको हम छील लिए हैं। छीलने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और हम यहाँ पर ले लिए हैं कद्दूकस। तो कद्दूकस हम जो अदरक जिससे हम कद्दूकस करते हैं ना वही वाला हम लिए हैं, मोटे लच्छे वाला नहीं लिए हैं। आप मोटे लच्छे वाला भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर यही लिए हैं। और इसी से हम सारी अपने दोनों आलू को कद्दूकस करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही नया नाश्ता है, चटपटा सा। क्या होता है बच्चे अगर खेल करके आते हैं या हस्बैंड ऑफिस से आते हैं कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो आप फटाफट से मात्र 5 मिनट में बना करके तैयार कर दीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा, जो हमारे घर में बेसिक से सामान है उसी से बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियोस ले करके आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करने के बाद हम इसको फिर आगे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे आज के अपना ये चटपटा सा नाश्ता बनाना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चे रोज़ रोज़ रोटी सब्जी पराठा पूड़ी लेकर के जाना नहीं चाहते अपना लंच बॉक्स में, तो आप उनके लिए ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और टिफ़िन में दे दीजिए, पूरी टिफ़िन ख़त्म करके ही आएंगे, इतना टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है दोनों आलू को और अब हम इसको 2 से 3 पानी अच्छे से इसको हम साफ़ पानी धुल लेंगे जिससे ये जो आलू में जो स्टार्च है ना वो अच्छे से निकल जाए। और जब तक आलू में स्टार्च रहेगा तो आलू चिपचिपी सी रहेगी, तो इसीलिए इसका स्टार्च हमें बिल्कुल अलग कर लेना है सारा जितना है इसमें। और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे आज की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसको हम छान करके रखेंगे। तो एक बार इस बाउल में धुल लेंगे, उसके बाद हम 2 पानी और धुलेंगे इसको। हम लगभग 4 पानी हमने यहाँ पर पूरी आलू को धुला है और धुलने के बाद फिर हम दिखा रहे हैं आपको कि हम इसकी कैसे बनाएंगे रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 2 से 3 पानी धुल लिया है, फिर अभी 1 पानी धुले हैं और धुलने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा आलू में, हमें निचोड़ करके नहीं लेना है लेकिन हाँ पानी नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से हमें आलू अलग कर लेनी है। तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पानी से आलू अलग कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। तो यहाँ पर हम कटोरी लिए हैं, आप कटोरी कप कुछ भी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर कटोरी लिया है, तो जिस कटोरी से हमने आधी कटोरी सूजी लिया है ना उसी कटोरी से हमें लेना रहेगा आधी कटोरी बेसन। तो आप पूरा सूजी का बना सकते हैं या पूरा बेसन का भी बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर सूजी और बेसन दोनों डाल करके बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई लाल मिर्ची हमने डाल दिया है। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको खाना पसंद हो तीखा उस हिसाब से आप तीखा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्ची का पेस्ट हमने बना करके रखा था उसको हम डाल देंगे। इसको डालने से बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा तो इसको ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे हींग। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बेसन लिए हैं, तो बेसन की आप कोई भी रेसिपी बनाएं मीठा हो तो अलग बात है लेकिन अगर नमकीन कुछ पकौड़ी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसमें हींग ज़रूर डालिए, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 चम्मच के लगभग अजवाइन हमने डाल दिया है। और फिर अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे और हल्दी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 या 1/2 नींबू निचोड़ करके भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 चम्मच के लगभग साबुत वाला जीरा, आप साबुत जीरा डाल सकते हैं या जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे सब्जी मसाला, आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, सब्जी मसाला डाल सकते हैं या छोले मसाला डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम 1/2 चम्मच के लगभग हमने डाल दिया है सब्जी मसाला जो कि बहुत ही चटपटा सा रहेगा। ये अशोक का सब्जी मसाला है, आप जो भी हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं।
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया, लेकिन पानी हमें डालना नहीं है। पहले जितना आलू में पानी है ना, उसी में हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब पानी डालना है, और नहीं तो नहीं डालना है। तो यहाँ पर पानी हमने रख तो लिया है, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू हमने निचोड़ करके नहीं लिया था। अगर आप निचोड़ करके ले रहे हैं तो आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर निचोड़ करके नहीं लिए हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और देखिए, हमारा पेस्ट इसी तरीके से होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए, इसी तरीके से ये पेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए करी के पत्ते। आप करी के पत्ते डाल सकते हैं, हरी धनिया डाल सकते हैं, या कसूरी मेथी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, क्योंकि चटपटा सा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमने डाला है उसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक करके रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के ढक कर रखने के बाद जिससे ये सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पर देखिए, हमने इसको ढक करके रख दिया है, और 5 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद सूजी हमारी लगभग फूल चुकी है। सूजी जब अच्छे से फूल जाएगी तो नाश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटे हुए प्याज। तो आप प्याज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्याज डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से डालें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमने नमक और प्याज डाला है इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसकी आज का अपना नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आप इसका जो है जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं, टिक्की, कटलेट, जो भी शेप आप देना चाहे दे सकते हैं। हम यहाँ पर टिक्की का शेप देंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, थोड़ी सी पतली करके रखना है, जिससे हमारा जो नाश्ता बने बहुत ही कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें टिक्की का शेप दे दिए हैं, और इसको अब हम रखेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से सारा हमें बना लेना है, जितना पेस्ट है ना सारा हम उसी तरीके से टिक्की बना करके रख लेंगे, क्योंकि बनी रहेगी तो फिर फ्राई करने में बहुत जल्दी फटाफट से फ्राई हो जाती है। तो आप जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं, और यहाँ पर हम सारी टिक्की इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे नाश्ता की रेसिपी पड़ी है, मिठाई की रेसिपी पड़ी है। इधर दिवाली आ रही है, तो आप अगर मिठाई कुछ नया सा ट्राई करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को ये भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आपका धन्यवाद कर सकें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी तरीके से सारी टिक्की हमने बना लिया है। बहुत ही चटपटा सा ये आज का नाश्ता बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं, जो हमारे घर में सामग्री है उसी से हमें बनाना है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना। तो देखिए, सारा यहाँ पर हमने बना करके रख लिया है, और अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख दिए कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हम उसमें डालें सरसों का तेल। फ्रेंड्स, हम इसको सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। आप जो भी तेल खाते हैं आप उसमें फ्राई कर सकते हैं, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हमें डालना है। तो देखिए, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टिक्कियाँ। तो जितनी टिक्कियाँ एक बार में आए उतनी डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर 4 टिक्कियाँ ही डाल रहे हैं एक बार में, और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि अच्छा से इसका गोल्डन सा कलर ना आ जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो हमें इसको तुरंत नहीं पलटना है, जब एक साइड नीचे की साइड अच्छे से सिक जाए तभी हमें इसको पलटना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे की साइड हल्का सा सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे, और ऐसे ही उलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे हमारा जो नाश्ता बनेगा ना बहुत ही क्रंची एकदम से कुरकुरा सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको इसी तरीके से सारा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ये नाश्ता अगर आप गर्मा गर्म पर खाएंगे ना तभी तो कुरकुरा लगेगा, ठंडा होने पर ये मुलायम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जब भी बनाएं तो गर्मा गर्म पर खाएं, तो बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है आज का ये। तो यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और अच्छे से दोनों साइड सिक भी चुका है हमारा ये नाश्ता जो है। तो आप इसको कच्चे आलू की टिक्की कहें, या आप सूजी आलू की टिक्की कहें, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसको प्लेट में निकालने के बाद फिर हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे हम पहला बैच फ्राई किया है ना, इसी तरीके से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे, और जितनी टिक्कियाँ हमने बना करके रखी है ना सब फ्राई कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आया है इसका, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और सारी टिक्कियों को इसी तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप इसको फ्रेंड्स चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करते हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होने वाली है। और यहाँ पर हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से सारा हम फ्राई करके निकाल लेंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितना टेस्टी सा नाश्ता हमारा आज का ये बन करके तैयार हो गया है। तो आप इसको कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा बना लिया है और अब हम इसको सर्व करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिए हैं फ्रेंड्स आम का अचार और टोमेटो सॉस। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है आज का ये नाश्ता। तो यहाँ पर हमने आम का अचार लिया है, लहसुन का अचार भी उसी में, और इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में बन करके तैयार होने वाला ये नाश्ता, हल्की फुल्की भूख में बहुत ही चटपटा सा नाश्ता लगेगा। तो आप भी इसको बनाइए और खाइए, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए, और वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख रहे हैं ना कितना टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया। तो आप भी बनाइए, खाइए अपनी पूरी फैमिली को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए, और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लाइक और कमेंट बहुत मायने रखता है, तो कमेंट भी करिएगा। तो हम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।